हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी JSSC ने बहुत ही अच्छा एक नोटिफिकेशन जारी किया है एक्साइज डिपार्टमेंट को लेकर। दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली जारी किया था एक्साइज डिपार्टमेंट का कि बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी, लेकिन अब ऑफिशियली भी जारी कर दिया गया है। JSSC का वेबसाइट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सीट वैकेंसीज दिए हुए हैं वो जिक्र किया गया है, और इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसके बाद पहले एग्ज़ाम होगी पहले दौड़ होगी, बहुत सारे कन्फ्यूजन बनी हुई थी। हालांकि बहुत सारा ये जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ने, हेमंत सोरेन सरकार ने जो भी है अपना बयान किए थे कि पहले दौड़ होगा पहले एग्ज़ाम होगा, सब किया था, तो उसी तरह से इसमें भी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाली है कि क्या होगी, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, फॉर्म फिलअप की डेट कब से कब तक चलेगी, एज लिमिट कितनी रहेगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, वो सारे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसलिए हमारे वीडियो बने रहें अंत तक। देख सकते हैं दोस्तों, ये विज्ञापन संख्या 01/2022 2022 का ये दोस्तों विज्ञापन जारी किया है आपका एक्साइज डिपार्टमेंट, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का ये आपका दोस्तों ये विज्ञापन जारी किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 134 दिनांक 11/1/2022 द्वारा अग्रसरित उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पत्रांक 24/39 दिनांक 31/12/2021 द्वारा संशोधित उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से वित्त प्रपत्र में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि JSSC ने ये ऑफिशियली वेबसाइट जो जारी किया है, इसमें आप देख भी सकते हैं कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट ये कॉन्स्टेबल के लिए बहाली निकाली है। ठीक है, एक्साइज डिपार्टमेंट में हम लोग को पता है दोस्तों कि आपका ASI का भी निकलने वाली थी, लेकिन फिलहाल अभी हमें कॉन्स्टेबल संतुष्टि करनी पड़ेगी। कॉन्स्टेबल के बाद भी हो सकती है कि SI का वैकेंसी जरूर निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा। दोस्तों, मैंने पहले भी चर्चा किया था कि जितने भी नियमावली बन रही है, नियमावली बनने के जरिए सारे वैकेंसी निकलेंगे। दोस्तों, इसमें परीक्षा शुल्क कितने लगने वाले हैं? दोस्तों, इसमें परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है, और ST SC के लिए जो भी है हमारे आदिवासी जो इतने अनुसूचित जाति के लिए हैं, सबके लिए 50 रुपया लगने वाले हैं, और जनरल OBC जो भी आते हैं उन लोगों को तो पता ही है, सबको 100 रुपया लगेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वैसे आवेदक 2018 में सम्मिलित तो हुए थे। ठीक है, इस विज्ञापन के शर्तों और शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, यानी कि दोस्तों 2018 में जो अप्लाई कर चुके थे, ठीक है, लेकिन उनका जैसे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था मान के चलिए, तो वो तो फॉर्म तो रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, तो उनका तो डेट एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो भी एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसमें कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन उसे सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखना पड़ेगा, अब वही रजिस्ट्रेशन नंबर उसको देना पड़ेगा, और जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ भी उसको मेंशन करना पड़ेगा, तभी जाके उसको छूट मिलेगी। दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग वैकेंसीज की जो है निकली है, कितनी कितनी पोस्ट के लिए आवेदन करना है, हमें कितनी सीट दी हुई, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है जितने भी है, कॉन्स्टेबल बहाली के लिए सबको पता है, तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 237 सीट दिया हुआ है, जिसमें से महिला 12 सीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल 237 सीट है दोस्तों जनरल के लिए, और 12 है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए दोस्तों इसमें सीट बहुत ही कम दिया हुआ, स्पोर्ट कैटेगरी के लिए दोस्तों दिया है टोटल 12 सीट दिया है, वो सब के लिए जनरल हो BC हो जितने भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पोर्ट कोटा में जो है उससे भर सकते हैं। और दोस्तों इसमें ST के लिए दोस्तों 144 पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, 144 वैकेंसी मात्र, इतने खाली पद हैं। तो ST के लिए देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी अच्छी है, जनरल के बाद ST के लिए काफ़ी अच्छा सीट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और SC के लिए देखते हैं दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए 57 सीट दिया हुआ है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए, BC1 के लिए दोस्तों 50 सीट रिजर्व है, BC2 के लिए दोस्तों 32 सीट रिजर्व है, और आपका EWC जो होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होता है उनके लिए 59 सीट दिया हुआ है। लमसम देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर महिलाओं के लिए सीट बहुत कम है, 12 जनरल के लिए है, 7 ST के लिए है, 3 BC SC के लिए है, 3 BC1 के लिए, BC2 के लिए 2, मात्र 30 सीट दोस्तों महिलाओं के लिए दिया हुआ है। अब दोस्तों हम लोग को ये तो समझ में आ गया है कि महिलाओं के लिए इस बार उतनी खास देखने को नहीं मिल रही है, अब देखते हैं आगे क्या इसमें दिया हुआ है। परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करने की विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं, यानी कि उसमें जो आपका थोड़ा मोड़ा जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो तो आपको पता ही है दोस्तों। हम लोग थोड़ा इसका ग्रेड पे के बारे में देख लेते हैं, इसका पे स्केल के बारे में देख लेते हैं। तो आपको सबको पता है कि फिलहाल झारखंड में जितने भी वैकेंसी निकलती है, चाहे कोई भी वैकेंसी निकलती है, ग्रुप D ग्रुप C, तो उनमें ज़्यादा
चेंजिंग नहीं रहती है, ठीक है। तो उसमें तो अभी मान लीजिए जैसे झारखंड पुलिस की बहाली, झारखंड पुलिस की बहाली दोस्तों होती है वो 2000 ग्रेड पे की होती है, 21,000 समथिंग उसका बेसिक होता है। लेकिन इसमें थोड़ा देख लेते हैं, बेसिक इसमें दिया हुआ है दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल 2 दिया हुआ है, वेतनमान 19,900 से 63,200 तक रहेगा, ठीक है दोस्तों। आपका समूह ग और अक्षपत्रित यानी कि ये आपका सी सी ग्रुप में दोस्तों आता है, जैसे हम लोग ग्रुप डी बोलते हैं, तो ये आपका सी ग्रुप सी का अंतर्गत में आता है जो। अब देखते हैं दोस्तों इसमें सबसे मेन दोस्तों इसमें बताया गया था, आपको पता ही है कि झारखंड में अभी जितने भी अभ्यर्थन से निकल रहे हैं सब में आपको मैट्रिक से भर रहे हैं, तो मैट्रिक आपको झारखंड में कोई भी बोर्ड से करना पड़ेगा, ठीक है, झारखंड का ही बोर्ड होना चाहिए। और यदि मान लीजिए ग्रेजुएशन से भर रहे हैं तो आपको इंटर लेवल तक फॉर्म, आपका इंटर लेवल का एग्ज़ाम जो यहीं पर करना होगा। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तो अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषाएं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। लोकल रीजनल जितने भी लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा है दोस्तों हम लोगों को सबको जानकारी रखना पड़ेगा, खासकर जिस क्षेत्र से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो वहाँ का जो अपना लैंग्वेज जो दिया रहता है उसमें जानकारी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भाषा पर भी एग्जाम होगा, जरूर होगा। आप दोस्तों देख लेते हैं, ये तो सबको पता है दोस्तों कि स्पोर्ट के लिए स्पोर्ट कोटा के लिए सीट दिया हुआ, मात्र 12 सीट दिया हुआ, जिसमें से भी बहुत सारे हैं ओलंपिक में आपको क्या क्या है, तो उसमें मायने नहीं रखता है, स्पोर्ट आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है, सब जितने भी हम लोग जैसे ही नॉर्मल कैटेगरी के ही भरते हैं दोस्तों। इसमें जो हम लोग का शारीरिक माप है फिजिकली देख लेते हैं कि कितना कितना दिया हुआ है, तो जनरल के लिए दोस्तों 160 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, ठीक है, और चेस्ट जो बिना फुलाए होता है वो 81 सेंटीमीटर होती है। एसटी के लिए हाइट दोस्तों 155 सेंटीमीटर दिया है फॉर मेल, ठीक है, और इसमें चेस्ट इसका 79 सेंटीमीटर रहेगा। एससी के लिए दोस्तों 155 सेंटीमीटर रहेगा और चेस्ट भी वही 79 रहेगा, और BC1 के लिए दोस्तों 160 सेंटीमीटर रहेगा इस पुरुष के लिए, ठीक है, और इसकी चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, और BC2 के लिए भी 160 सेंटीमीटर, यानी कि जनरल BC1 BC2 के लिए हाइट में सेम रहेगा 160 सेंटीमीटर और चेस्ट भी सेम रहेगा 81 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए दोस्तों 148 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ, चलिए महिलाओं के लिए अच्छा है इसमें है। और आपको पता ही मेडिकल में क्या क्या जिक्र किया जाता है, मेडिकल में मुड़ा हुआ घुटना नहीं होना चाहिए, धनु पैर समतल पैर स्पित सीरा उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टिदोष कलर ब्लाइंडनेस रतौंधी आदि की चिकित्सा जांच की जाएगी, सारी चीज़ देखी जाती है दोस्तों, मेडिकल काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद एज लिमिट थोड़ा देख लेते हैं, तो एज लिमिट की जो काउंटिंग की जाएगी गणना की जाएगी दोस्तों वो 1/8/2022 के बाद से की जाएगी, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसके लिए आपको 4 महीना पहले 5 महीना पहले 1/8/2022 यानी कि यह समझ लीजिए कि यहाँ पर डेट जो है आपके आने वाले समय उस टाइम से, यानी कि आपको रिलैक्सेशन दिया गया है थोड़ा सा इसमें दिया गया, मिनिमम एज 18 साल दिया हुआ पता ही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए तो 25 साल आपको पता ही है, जनरल के लिए EWS के लिए 25 साल एज रहेगा, कोई इसमें छूट दिया नहीं है, जनरल के लिए भी वही 25 साल है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 2 साल का दिया हुआ है पुरुषों के लिए 27 साल, महिलाओं के लिए दोस्तों जो है BC1 में आते हैं उनको 3 साल का दिया हुआ है, ठीक है, उनको पुरुष महिलाओं को 3 साल का छूट दिया हुआ, 28 साल की उम्र में वो 18 उम्र तक भर सकते हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष महिला दोनों के लिए 30 साल का दिया, महिलाओं के लिए एसटी और एससी दोनों भी है, पुरुष और महिला दोनों के लिए 30 साल दिया हुआ, यानी कि जनरल के लिए दोस्तों 25 साल दिया हुआ है और आपका BC1 के लिए 27 साल दिया हुआ है, BC2 के लिए भी 27 साल ही दिया हुआ है, BC1 BC2 दोनों के लिए 27 साल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महिलाओं के लिए सिर्फ 28 साल दिया BC1 BC2 में, और आपका एसटी एससी के लिए दिया 30 साल, और जो एक सर्विस मैन उनके लिए एक्स्ट्रा 5 साल का छूट मिलता है। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ये सब चीज़ तो बाद में बताएंगे, थोड़ा देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप डेट कब से है, और आवासीय जाति जो है दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जैसे आवासीय जो है अंचलाधिकारी, जैसे आपका मान लीजिए कि अंचलाधिकारी का स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा 19/7/2019 के बाद, CGL में भी जस्ट इसी तरह ही दिया गया था जैसे CGL में, यानी कि आपको 2019 के बाद से अंचलाधिकारी कहा तो चलेगा, 2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी 2016 तक में अभी SDL लेवल का है तो मान्य होगा, लेकिन उसके पहले कोई मान्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र में सेम चीज़ है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आपका 25 फरवरी 2019 के बाद का है उसका अंचलाधिकारी से मान्य होगा, ठीक है, और SDO से लेवल का है तो 2016 तक में भी चलेगा। दोस्तों थोड़ा हम लोग इसका डेट देखते हैं, फॉर्म फिलअप डेट कब से कब तक जिक्र किया गया है, ये तो खैर आवासीय और जाति का तो आपको पता ही है, अभी फिलहाल CGL में जो निकाला था उसमें भी सेम टू सेम किया गया था, और कुछ खास इसमें जिक्र दोस्तों और नोटिफिकेशन में नहीं किया है, काफ़ी सीट उतना उम्मीद था उतना तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी चलिए इतना ही सीट के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, क्या किया है। ये दोस्तों फॉर्म फिलअप करने का यहाँ पर बताया, प्रोसेस बताया कैसे भरना है क्या करना है, और दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं फॉर्म फिलअप का डेट कब से कब तक है। जी दोस्तों देखिए
रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 25 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगा और 26 मार्च तक चलेगी। ठीक है, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 29 मार्च तक की मध्य रात्रि से चलेगा। फोटो वास्ता सर 4 तारीख सॉरी आपका 1 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि समय हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा समय है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, बस तैयारी में लगे जाइए। और परीक्षा का स्वरूप देखते हैं, परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। शारीरिक दक्षता फिजिकली पहले ली जाएगी, ठीक है, फिजिकली टेस्ट होगा पहले, फिर लिखित एग्जाम रिटर्न एग्जाम होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, चिकित्सा जाँच होगा। तो अब जाहिर सी बात है, हम लोग पहले भी चर्चा हो रही थी कि पहले एग्जाम होगी कि पहले दौड़ होगी, तो क्लियर कर दिया है एक्साइज डिपार्टमेंट ने कि पहले यहाँ पर दौड़ होगी, पहले दौड़ होगी, लेकिन दौड़ कितनी कराएगी ये दोस्तों अभी जिक्र नहीं किया गया। दौड़ 10 किलोमीटर रहेगी या फिर आपका 1600 मीटर रहेगी, फिलहाल अभी कोई जिक्र नहीं है। एग्ज़ाम दोस्तों 3 पत्र में एग्जाम होगी, पहले जो मेडिकल क्वालिफाई करेंगे उसको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो एग्जाम 3 पत्र पे होगी, प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। पहला विषय जो रहेगा दोस्तों भाषा ज्ञान पर रहेगा, हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान। अब हिंदी भाषा से 80 क्वेश्चन रहेंगे और अंग्रेजी भाषा से 40 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें 30% आपको लाना है, यानी कि मात्र 36 क्वेश्चन आपको सही करना है। ये क्वालिफाई मार्क है दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको पास करना है, बाकी इसमें नंबर आपको जोड़ा नहीं जाएगा, मेरिट में नहीं बनेगा। दूसरा पत्र दोस्तों क्षेत्रीय भाषा जनजाति भाषा के लिए, जितने भी हम लोग के डिस्ट्रिक्ट हैं सब में क्षेत्रीय भाषा जो भी है बिलोंग करता है उस हिसाब से आपका एग्जाम ली जाएगी दोस्तों। इसके बाद पत्र 30 में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी दोस्तों, जिसमें से सामान्य अध्ययन जीएस वगैरह जो भी रहेगा 40 रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 रहेंगे, जनरल साइंस रहेगा 20 रहेगा, सामान्य गणित 10 रहेगा, यानी टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 120 क्वेश्चन में दोस्तों आपको मेरिट लाना है यही 2 पेपर से। आपका ये जो पेपर 2 है पेपर 3 यहीं से मेरिट आपको बनेगा दोस्तों, इसलिए तैयारी अच्छे से करें। झारखंड की नॉलेज, खोथा की नॉलेज, जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा है सबसे ध्यान से पढ़िए। और बाकी तो आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेंगे भाषा ज्ञान, जैसे हम लोग हिंदी से पूछेगा 80 और इंग्लिश से पूछेगा 40, तो क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या व्याकरण रहेगा वो सारा दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 रहेंगे, अनुच्छेद पर रहेगा, पैराग्राफ पर रहेगा, और हिंदी व्याकरण पर 60 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा। अंग्रेजी भाषा में 40 क्वेश्चन, जिसमें से 20 अल्प जो आपका पैराग्राफ पैसेज रहेगा उसमें 20 क्वेश्चन पूछेगा, और 20 क्वेश्चन दोस्तों आपका ग्रामर से रहेगा, यानी कोई खास इसमें क्वालिफाई करना बस लाना ही है। इसके बाद तो आपका पत्र जो 2 होगा, पेपर जो 2 होगा दोस्तों, उसमें आपको रीजनल भाषा जो रहेगा, क्षेत्रीय भाषा जो रहेगा उसके हिसाब से लिया जाएगा। मान लीजिए क्या कुरमाली है या फिर आपका जो भी भाषा रहेगा सबसे लिया जाएगा, तो उसमें क्या रहेगा बस यही रहेगा, व्याकरण रहेगा, साहित्य रहेगा, गद्य भाग रहेगा, पद भाग रहेगा, पुस्तक रहेगा, सब रहेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको तैयारी में लगना है कि थोड़ा सा फिजिकली क्लियर। दोस्तों वीडियो में आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लगा हो या फिर आपको लग रहा है कि कुछ इसमें आपको डाउट्स है जिससे कि मुझे शेयर कर सके, तो दोस्तों भेजिएगा, आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ चेंजिंग की जाएगी। लेकिन बहुत अच्छी बात है, समय भले ही कम हो बट सारे नोटिफिकेशन धीरे धीरे आ रहे हैं और देखने को मिल रहा है, सीट बहुत कम कम दिया, इसलिए कॉम्पिटिशन तो बहुत टफ होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और खासकर महिलाओं के लिए तो काफ़ी कम सीट आ रही है, जितनी भी वैकेंसी निकल रही है महिलाओं के लिए सीट काफ़ी कम है, इसलिए उनके लिए और टफ हो जाएगी। इसलिए तैयारी कीजिए और थोड़ा सा जो है ना प्रोटेस्ट वगैरह जो अगेंस्ट में जो हो रही है थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन पढ़ाई में बार बार मैंने यही कहा कि पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसी की बात नहीं सुनेगा, वैकेंसी निकालेगा, एग्जाम होगा, क्लियर करा देगा, आप लोग प्रोटेस्ट करते रहिएगा और यहाँ पर पता चलेगा कि नौकरी कोई कर रहा, तो इसलिए उधर भी जो भी करना है मान लीजिए हम मना नहीं करेंगे, बस यही बोलेंगे कि थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिए और समय बहुत कम है, ट्राई करते रहिए, एग्जाम देते रहिए, जरूर सफल। आप लोग मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें थोड़ी सी हमें मोटिवेट थोड़ी सी हमें हिम्मत दीजिए, ताकि मैं कुछ भी इस तरह की वीडियो बना सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। आप लोग का प्यार चाहिए और कुछ नहीं दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए सब।